तो भावलोक डेमन का विजन बहुत कुछ कहकर गया है, जिसमें एक हिंट गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर्स के लिए भी बहुत कुछ है और एक मौका टारगेरियन सिविल वॉर को रोकने का भी देकर गया। कैसे आगे बात करते हैं, लेकिन बाबा आप लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी करते हो तो कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। एज वी सो इन लास्ट एपिसोड डेमन गॉड्सवुड पर हाथ रख के फ्यूचर देखता है, जिसमें सबसे पहले वो इस बंदे को देखता है जो लुक्स लाइक अ टारगेरियन है, लेकिन बाबा इसका नाम है ब्रैंडन रिवर्स, जो डेमन का ही ग्रेट ग्रैंडसन यानी परपोता होगा आगे जाकर, जो एक बास्टर्ड है और उसके पोते से जन्मा हुआ बच्चा है, और उसके पोते का नाम है एगोन फोर टारगेरियन, जो डेमन और रेनिरा के छोटा बेटा एगोन थ्री का बेटा होगा आगे जाकर। तो एगोन थ्री जो अभी बच्चा है, जो घुटने पर चल रहा है, आगे जाके ये सारी भसड़ फैलाने वाला है। और ब्रैंडन रिवर्स का जन्म डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट के 45 साल बाद होने वाला है अप्रोक्सीमेटली। ऑल्सो ये कैरेक्टर हमें गेम ऑफ थ्रोन सीजन 4 और सीजन 6 में भी देखने को मिलता है, जब ये ब्रैन स्टार्क से मीट करता है, लेकिन वहां तक ये काफी बुड्ढा हो चुका था। दूसरा बाबा, व्हाई दिस ब्रैंडन रिवर्स कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, मतलब हम गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड इट समहाउ लुक लाइक अ कैमियो। तो बाबा मेकर्स ने बड़ी चालाकी से अपने एक और गेम ऑफ थ्रोन्स प्रीक्वल का प्रमोशन कर दिया है, जो अगले साल 2025 में देखने को मिल सकती है, जिसका नाम होगा अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। और ये इवेंट एस्टेब्लिश्ड हुआ था द गेम ऑफ थ्रोन्स के लगभग लगभग 100 साल पहले, मतलब डांस ऑफ द ड्रैगन्स और गेम ऑफ थ्रोन्स के बीच के समय की कहानी होगी ये, जहां हमें कहानी दिखाई जाएगी एगोन फाइव टारगेरियन के स्ट्रगल के बारे में, जहां एक महान योद्धा जो सर डंकन द टॉल के नाम से जाना जाएगा, वो एग यानी एगोन फाइव की फुल हेल्प करने वाला है। तो भाई साहब इस वेब सीरीज के लिए भी वेट है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में आगे जाकर। नाउ बैक टू द पॉइंट कि ब्रैंडन रिवर्स का कनेक्शन यहां से कैसे होगा। तो अकॉर्डिंग टू द नोवेला ऑफ द नाइट किंगडम ऑफ द सेवन किंगडम, उसके एक चैप्टर द मिस्ट्री नाइट में ब्रैंडन रिवर्स का मेंशन हुआ है, जो सर डंकन को एक मोमेंट पर इंस्पायर करेगा उसकी आगे की जर्नी को इजी बनाने के लिए। देन डेमन अपने विजन में आगे जाकर नाइट किंग व्हाइट वॉकर्स को देखता है, जिसके बारे में शायद सभी लोग यहां जानते होंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें ब्रूटल खून खराबा वाली वॉर का सीन देखने को मिलता है, यानी खून की नदियां वहां बह रही हैं, जिसमें से लगभग सभी मारे जाते हैं या मरे होंगे, मरे हुए दिख रहे हैं। और थर्ड चाइल्ड ऑफ डेनेरिस टारगेरियन विसेरिन ड्रैगन को भी मरा हुआ देखते हैं। देन डेमन पानी में गिर जाता है, जो हो ना हो गॉड्स आई लेक ही हो सकती है, जहां प्रोफेसी हो चुकी है कि डेमन की मौत एमंड और वेगार से लड़ते हुए इस लेक पर डूबकर होने वाली है, जहां एमंड भी मारा ही जाएगा। एंड एट लास्ट हमें रेनिरा टारगेरियन आयरन थ्रोन पर बैठी दिखती है, जो इस विजन में अगर सब डिस्ट्रक्शन को दिखाया भी है तो इसका सॉल्यूशन भी दिखाया है एट द एंड, कि रेनिरा ही सॉल्यूशन है अगर वो आयरन थ्रोन पर बैठ के लंबे समय तक राज करेगी तब। लेकिन ड्यूरिंग दिस सिविल वॉर वो भी आगे जाकर मारी जाने वाली है, तो वो अगर आगे जाकर मारी ना जाती तो ये टारगेरियन डिक्लाइन थम सकता था और वेस्टरोस की तबाही भी थम सकती थी। सो दैट्स ऑल द डेमन्स विजन, जो टारगेरियंस का डिस्ट्रक्शन रोक सकती थी, लेकिन भाई होनी तो होनी है, वो तो होके ही रहेगी, तब ना जाके हम गेम ऑफ थ्रोन्स का भी मजा ले पाएंगे। बाकी बाबा आगे नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के बारे में भी बात करने वाले हैं और एगोन द कॉन्करर के बारे में भी बात करेंगे, बट आई एम वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, क्योंकि अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का इतना रायता फैला हुआ है जिसे समेटने में थोड़ा समय लग रहा है। हाँ, बाकी आज रात तक हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का फुल रिकैप कहो या फिर फुल रिव्यू कहो ड्रॉप हो जाएगा, सो कीप इन टच, क्योंकि इसमें हर एक की पॉइंट पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, जो पूरे 8 एपिसोड में हुआ है। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो इस गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स का लवर है, तुम्हारा फ्रेंड, कोई भी करीबी दोस्त हो। बाकी अपना प्यार देते रहो भाई साहब, हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।